आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। वन महोत्सव 1 जुलाई से 7 जुलाई तक केंद्र सरकार के द्वारा मनाया जा रहा है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में एक पौधा माँ के नाम, इस थीम पर भी पौधारोपण वृक्षारोपण कार्यक्रम जारी है। सिवनी शहर शिव की नगरी और शिव की नगरी का ये बबरिया मोक्ष धाम, यहाँ इसका जीर्णोद्धार कार्य चल रहा है। और इस जीर्णोद्धार कार्य के साथ ही यहाँ जो कॉलोनी आपको पीछे दिख रही है, इस कॉलोनी के बाशिंदों के द्वारा इस मोक्ष धाम का पूरा ख्याल रखा जाता है, पूरा ध्यान रखा जाता है। यहाँ पर एक उद्यान भी विकसित करने की योजना इनके द्वारा यहाँ पर आकार लेते हुए दिख रही है। वन महोत्सव 1 जुलाई से 7 जुलाई और एक पौधा माँ के नाम, दो अभियानों के बीच में यहाँ आप देख सकते हैं 7 जुलाई रविवार को वृक्षारोपण का यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट, जिनके द्वारा भी यहाँ पर वृक्ष लगाए गए हैं, उनकी पट्टिका भी लगाई गई है। और गाजर घास, पूरे शहर भर को गाजर घास ने अपने आगोश में ले लिया है। नगरपालिका परिषद का पूरा ध्यान निर्माण और खरीदी की ओर है। नागरिकों को होने वाली असुविधा से नगरपालिका परिषद, कांग्रेस शासित है नगरपालिका परिषद, उसको कोई बहुत ज़्यादा सरोकार नज़र नहीं आता है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक, भाजपा के सांसद, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार, कोई भी इस ओर ध्यान नहीं देता है कि विपक्ष, कांग्रेस विपक्ष में है पर नगरपालिका में सत्ता में होने के बाद भी उसकी मशकें कसने के लिए किसी को भी पाबंद नहीं किया जाता। जिलाधिकारी संस्कृति जैन नगर निगम में आयुक्त के पद पर थीं, जो यहाँ आई हैं वे नगरपालिका की कार्यप्रणाली से बेहतर परिचित होंगी, उम्मीद उनसे है वे कुछ कर पाए। बहरहाल यहाँ हम बात कर रहे थे वृक्षारोपण पौधारोपण की। यहाँ आप देख सकते हैं कितने सारे यहाँ पर युवा वृक्षारोपण करते हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। हरे भरे पेड़ जहाँ आपको मन को आह्लादित प्रफुल्लित करते हैं, वहीं पर दूसरी ओर इससे ऑक्सीजन मिलती है, नकारात्मकता बहुत कम होती है। यहाँ देख सकते हैं बहुत सारा हिस्सा खुला पड़ा हुआ है। यहाँ इनके द्वारा उद्यान एक विकसित करने का प्रस्ताव इनके द्वारा है और यहाँ के लोग यहाँ इससे विकसित करने की दिशा में प्रयास जरूर करेंगे। लोगों का सहयोग इन्हें मिल रहा है, लोग यहाँ पर आकर अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं। मोक्ष धाम बारा पत्थर में वृक्षारोपण अभियान, ये यहाँ आपको दिख रहा होगा। पब्लिसिटी से बहुत दूर, यहाँ किसी नेता को इनके द्वारा नहीं बुलाया गया, किसी जनप्रतिनिधि को इनके द्वारा नहीं बुलाया गया, सब स्वप्रेरणा से यहाँ पहुँचे और वृक्ष उन्होंने पौधे दान किए हैं, उन पौधों को यहाँ लगाया जा रहा है और इन पौधों की देखरेख का जिम्मा मोहल्ले के निवासियों के द्वारा ही लिया गया है। अभी फ़िलहाल आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ पेड़ आकार ले चुके हैं, आपको दूर दिखाई दे रहे होंगे वृक्ष यहाँ पर लगाते हुए कुछ लोगों को आप देख सकते हैं। अपने परिजनों की स्मृति में, अपने खुद के नाम से यहाँ पर वृक्षारोपण धीरे धीरे आकार लेता हुआ दिख रहा है। ये देखिए, देखा जाए तो ये काम स्थानीय निकाय को करना चाहिए। स्थानीय निकाय इस तरीके के काम, जो जनउपयोगी काम है, उनको छोड़कर सिवनी शहर में दीगर गैर जरूरी कामों में स्थानीय निकाय उलझे देखते हैं और उसमें चाहे कांग्रेस सत्ता में हो, भाजपा विपक्ष में हो, पर किसी भी पार्षद के द्वारा उस काम को बजट कैसे पारित हो जाता है, ये भी एक शोध का विषय माना जा सकता है। सड़कों पर तो भारी विरोध होता है। हम बात कर रहे हैं फिलहाल वृक्षारोपण की। ये देखिए यहाँ पर वृक्षारोपण किया गया और ये रविवार को सुबह सवेरे 8:30 से 9:30 के बीच में यहाँ वृक्षारोपण, जिनके नाम यहाँ देख सकते हैं, पट्टिकाएँ रखी हुई हैं, लोग आते जा रहे हैं, अपने अपने वृक्ष यहाँ पर लगाते जा रहे हैं और ये यहाँ वृक्ष लगे हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे। मुख्य द्वार का निर्माण भी यहाँ पर जारी है। कुछ दिनों बाद, लगभग 2-4 बारिश के उपरांत ये जब पौधे जड़ पकड़ लेंगे तब और सुंदर नज़ारा यहाँ का दिखाई देगा।
यहाँ एक हैंडपंप की बहुत ज़रूरत है। लोगों ने कहा कि सांसद या विधायक अपने प्रयासों से अगर यहाँ हैंडपंप खुदा देते हैं तो ये एक बहुत पुनीत काम होगा। ये यहाँ मुख्य द्वार का काम यहाँ पर चलता हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। मुख्य द्वार सामने यहाँ निर्माण कार्य, इसका जीर्णोद्धार, निर्माण तो नहीं कहा जाएगा, जीर्णोद्धार कार्य यहाँ जारी है। और सामने ये सड़कों, सड़क के हर तरफ आप देख सकते हैं गाजर घास ने किस तरह डेरा डाला हुआ है। गाजर घास को इसके शमन के लिए कोई प्रयास, ये देखिए यहाँ पर ये तीन लोग और फावड़ा और गैती लेकर पहुँचे, ये भी अपने यहाँ गड्ढा कर और वृक्ष लगाने का काम, पौधे लगाने का काम इनके द्वारा भी यहाँ किया जाएगा। वास्तव में बहुत पुनीत काम है और इसमें लोग स्वविवेक से, स्वप्रेरणा से यहाँ पहुँच रहे हैं, किसी को किसी ने बुलाया नहीं है। इसके साथ ही इसकी कोई पब्लिसिटी नहीं की गई है, चुपचाप ये लोग यहाँ पर काम करते नज़र आते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। अगर आपको ये सारी खबरें पसंद आ रही हों तो आप इन्हें लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। फ़िलहाल आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे, हम फिर हाजिर होंगे। जय हिंद।